नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। महाराजगंज के विधानसभा पनियरा के गुगली में आयोजित अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तमाम लोग उपस्थित और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता भी उपस्थित। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लघु उद्योग निगम पूर्व अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी डॉक्टर अरविंद राजभर जी थे। बता दें कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी भी छोटे छोटे कार्यक्रमों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों को और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सक्रिय हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में श्री शक्ति सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव श्री संतोष पांडे जी, माननीय विधायक रामानंद बौद्ध जी, प्रदेश उपाध्यक्ष IT अभिषेक मिश्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कविलास राजभर जी, जिला अध्यक्ष श्री मुरली राजभर जी और तमाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए हम आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर जी के भाषणों को सुनाते हैं। उससे पहले अपने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीला गमछा लेके चलते हैं जो गाँव और गलियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कोई धन पशु नहीं है। उनके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ नहीं हैं, वो साइकिल और मोटरसाइकिल और पैदल वाले लोग हैं। तो लोग कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं ठीक, थोड़ी सी बात मैं ज़रूर आपसे करूंगा, क्योंकि पार्टी को आप लोगों ने 2002 से लेकर के 2020 तक आपने जो ताकत दिया था, उस ताकत की देन थी कि कोरोना काल के दरमियान जो भी आपके क्षेत्र का, आपके ज़िले का या इस प्रदेश का नौजवान आउट ऑफ स्टेट था या आउट ऑफ कंट्री था, अगर वो लोग कहीं फंसे थे तो वो लोग मेरे लोग थे। चाहे जहां के रहे हों, चाहे जो रहे हों, उनको वापस लाने का पूरा प्रबंध किया गया। टोल फ्री नंबर जारी किया गया, उसको हम 5-7 लोग डील कर रहे थे। चाहे प्रधानमंत्री जी से वार्ता करनी हो, चाहे गृह मंत्री जी से वार्ता करनी हो, चाहे विदेश मंत्री जी से वार्ता करनी हो, लक्ष्य सिर्फ एक था कि अगर मेरा भाई कहीं बाहर फंसा हुआ है तो उसको UP लाना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे जहां हो, अगर वो वहां पर है तो उसको राशन व्यवस्था पहुंचे। ये सारी प्रक्रियाओं के साथ साथ हम लोगों ने अथक प्रयास करके लोगों को व्यवस्थित किया और बहुत लोगों को हम लोग वापस लाने का प्रयास भी किया। और कहीं ना कहीं कोरोना काल के दरमियान जो कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग स्थानीय स्तर पर दिया गया, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ रहा। अपनी सुरक्षा करते हुए आपने दूसरों की सुरक्षा किया, इससे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और पार्टी का नेतृत्व बहुत मजबूत हुआ। कोरोना काल खत्म होने के बावजूद एक बार आदेश करने पर आप सभी लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए मिशन 2022 के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मैं आपसे कुछ चीज़ें जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि भाषण का वक्त नहीं है। जैसा कि हमारे शक्ति भाई ने बताया, हालांकि चुनाव तो अभी 6 महीना है, लेकिन काम करने का समय मात्र 60 दिन है। और इन 60 दिन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भविष्य तय हो जाएगा। और ये 60 दिन बिना पैसे में कैसे आप चर्चा में रहेंगे, इसका जिम्मा सीधे सीधे माननीय नेताजी ले रखे हैं। आप पूरे चट्टी चौराहे कहीं भी ये पीला गमछा लगा के खड़े हो जाइए, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, वो सीधे एक बात कहेगा कि पूरे देश में अगर इकलौता कोई नेता है जो डंके की चोट पर सही बात करता है तो उसका नाम ओम प्रकाश। वो चाहे कोई पार्टी हो, हर दल हर पार्टी के लोग अब इस बात को कहना चालू कर दिए हैं कि यूपी में उसी की सरकार बनेगी, यूपी में सरकार उसी की बनेगी जिसके जिसके साथ ये पीला गमछा पीला झंडा जाके सम्मिलित होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए हम सभी लोगों ने योजना बनाया कि हम लोग चयनित विधानसभा सीटों पर कार्य करें। हालांकि 2012 के चुनाव में हम लोगों ने 112 सीट का चयन किया और चुनाव लड़े। 2017 के चुनाव में गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद 4 विधायक भी हुए, पार्टी सरकार में भी गई, पार्टी से 2 मंत्री भी हुए, 3 मंत्री भी हुए। लेकिन साथियों, मंत्री रह करके हमने देखा कि जो मेरा कार्यकर्ता निचले स्तर पर है उसका इस सरकार में कोई कल्याण नहीं है। इस सरकार में उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है।
कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने बात रखा शीर्ष नेतृत्व के साथ कि अगर हमारे सहयोग से आपकी सरकार बनी है तो व्यवस्थाएं हमारे गरीबों तक पहुंचना चाहिए, वो भी निःशुल्क। लेकिन जब हमने देखा कि अवसरवादिता की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वहां की राजनीति ये है यूज एंड थ्रो, इनका प्रयोग करो और फेंक दो, जब हमने देखा तो हमने कहा अगर हम अपने दम पर इनकी सरकार बना सकते हैं तो अपने दम पर इनकी सरकार को गिरा करके नई सरकार बना। और साथियों, इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने योजना बनाया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमांचल और मध्यांचल तक हम लोग 75 सीटों का चयन किए। उन 75 सीटों का चयन जो एक नंबर की सीट है, हालांकि पार्टी पूरे प्रदेश में 150 सीटों पर कार्य कर रही है, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से पार्टी ने एक मोर्चा का गठन किया है जिसका नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें 10 दल के लोग हैं। आज कास्ट फैक्टर, जाति फैक्टर प्रदेश में चरम पर है, प्रदेश में चरम पर है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको अभी बताऊंगा। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने योजना बनाया कि जितने दुखित और पीड़ित लोग हैं, आप दूसरों के पीड़ा से नहीं परेशान हो, अपनी पीड़ा से परेशान हो। हम लोगों ने योजना बनाया कि यह पीड़ित और दुखित लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और एक मोर्चा बना करके ऐसी सरकार को नस्ते नाबूद किया जाएगा और इनको बताया जाएगा कि यह सरकार तुम्हारे बाप की सरकार नहीं है, लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया, अपनी पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, पाल साहब की पार्टी, प्रजापति की पार्टी, बिंद साहब की पार्टी, ऐसे करके 10 लोगों को हम लोगों ने पूरे प्रदेश से इकट्ठा किया। ईश्वर ने चाहा तो आपके इस मोर्चे में इस देश के 3 मुख्यमंत्री आएंगे, इस देश के 3 मुख्यमंत्री आपके इस मोर्चे में आएंगे। हमारा प्रयास है कि 5 कर लूं, 3 की बात हो चुकी है, 3 मुख्यमंत्री बहुत ही जल्द उनकी पार्टी आपके पार्टी से गठबंधन करेगा, फिर आपके मंच पर भी मुख्यमंत्री खड़ा होकर यही कहेगा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जीतना चाहिए। साथियों, अच्छे दिन का सपना दिखा करके लोगों ने इतना बुरा दिन ला दिया कि आज व्यक्ति की कमर ही नहीं टूटी, उसका पैर भी टूट गया। कमर ही नहीं टूटा, उसका पैर भी टूट गया, और पैर ही नहीं टूटा, उसका हौसला ही टूट गया है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, संगठन बनाओ, एक दिन समुंदर भी चल करके आएगा। और साथियों, पूरे प्रदेश में हम सभी लोग छत्रप की तरह कार्य कर रहे हैं। आज मेरा यहाँ आने का मकसद जो था वो यहाँ आकर के संगठन का निर्माण करना था, भाषण देने का नहीं। मैं अब सदैव और निरंतर आपके बीच में आऊँगा, जब जब मुझे लग जाएगा कि मुझे आना चाहिए, संगठन की समीक्षा करनी चाहिए, मैं तब तब आपके बीच में आऊँगा। मैं 10 बजे आपके गोरखपुर में हाजिर हो गया था और 10 बजे से चला हूँ, आपके बीच में आया हूँ। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए पार्टी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि पार्टी चले, जरा हाथ उठाइए। सभी लोग चाहते हैं, हाथ नीचे करिए। तो पार्टी चलाने के लिए कितने लोग काम करना चाहते हैं पार्टी में, अब हाथ उठाइए। सभी लोग काम करना चाहते हैं, हाथ नीचे करिए। कितने लोग अपने अपने क्षेत्र में, मात्र 5 गांव में, कितने गांव में, कितना गांव, 13 बूथ, 5 गांव 13 बूथ, कितने लोग मात्र 13 बूथ पर काम करके एक हफ्ता 10 दिन के अंदर उपलब्ध करा देंगे कि मैंने 13 बूथ का काम कर दिया है नेताजी, अब आप आ जाइए पनियरा में। कितने लोग 13 बूथ का काम कर सकते हैं, जरा हाथ उठाइए। कमे लोग कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ करना क्या है। स्पेशली मैं पनियरा विधानसभा की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं टारगेट किया हूँ अब ये भी जान लीजिए आप। मैं पूरी बात नहीं बताऊँगा, लेकिन बस इतना बताऊँगा कि नेताजी जो जो कहे हैं वो सत्य हुआ है। 2022 में इस विधानसभा से विधायक चाहिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का। अब माननीय रामानंद बौद्ध जी रामकोला से यहाँ नया में, बल्कि पनियरा का विधायक रामकोला जाके भाषण दे कि पनियरा में पार्टी का झंडा गाड़ करके मैं आया हूं। तो बताइए विधायक बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? कि खाली दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलावे के है, अपने भी हाथ में उठावल जाए। अब लड़ाई वो सीमा वाली नहीं है,
लड़ाई बूथ वाली है, अपना बूथ सबसे मजबूत। साथियों, मैं आपको इस विधानसभा में टारगेट क्यों किया हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा। आगे गठबंधन बड़ा होने वाला है, भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठबंधन बड़े दल से होने वाला है। भाजपा से गठबंधन नहीं करूंगा, मैं साफ और स्पष्ट बता दिया। और मैं बताता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी नेताजी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए पीछे पड़ी हुई है, मुझे राज्यसभा भेजना चाहती है, हमारे विधायक को मंत्री बनाना चाहती है और 5 निगम पूर्ण रूप से देना चाहती है और 35 सीट वो कह रहे भैया ले लो आप, लेकिन मेरे साथ चले आइए। अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए भाजपा के साथ? नहीं। जोर से बोलिए नहीं। कितने लोग नहीं चाहते हैं कि भाजपा के साथ न जाए? भाजपा के साथ जाए कि न जाए? नहीं जाए। कितने लोग न जाए बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि न जाए? हाथ उठाइए। सब चाहते हैं न जाए, हम भी चाहते हैं कि न जाए, क्योंकि मुझे मंत्री और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हमारे माननीय नेताजी की जो सोच है, वो सोच जब तक हर गांव तक न पहुंच जाए और हर गांव खुशहाल न हो जाए, तब तक ये लड़ाई साथियों रुकने वाली नहीं है। एक इस्तीफा नहीं, अभी जायसवाल जी ने कहा इस्तीफा, एक इस्तीफा नहीं, हम कह रहे हैं 50 इस्तीफा देना होगा तब भी देंगे और अंतिम क्षण तक देते रहेंगे कि जब तक हमारे गरीब समाज का कल्याण न हो जाए। महाराजगंज में 3 सीट पर फोकस किया, पहला सीट महाराजगंज सदर जो सुरक्षित है, दूसरा सीट है आपके पनियरा, तीसरा सीट है नौतनवा। प्रायोरिटी जान लीजिए आप, 1 नंबर पर पनियरा है, 2 नंबर पर नौतनवा है और 3 नंबर पर है महाराजगंज सदर। आप बताइए कौन नंबर ले हम? पहला नंबर पनियरा ले। पहला नंबर रहे जाए ना जाए। अब पहला नंबर की खासियत जान लीजिए क्यों मैं कह रहा हूँ लेने के लिए। अब सिर्फ राजभर समाज से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि विरोधी भी इस चीज को कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का जो वोट है अब वो 90% उनके साथ खड़ा हो गया है। सही है कि गलत है? सही है। 90% उनके साथ खड़ा हो गया, जिसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अभी पंचायत चुनाव में 1 भी दिन हम लोगों ने प्रचार नहीं किया, क्योंकि मैं खुद बीमार हो गया, अरुण बीमार हो गए, मंत्री जी बीमार हो गए, 1 भी दिन प्रचार नहीं किए। और उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 1 से लेकर के 14 जिला पंचायत खाली नाम पर जीत गए, पहली बार ऐसा हुआ। 2500 से ज्यादा प्रधान हुए हैं जो पीला गमछा लेके हुए हैं और कम से कम 4,500 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गए हैं साथियों, बिना प्रचार किए। अब आप सोचो कि 2017 से 19 में सरकार में रहे, पार्टी ने इतना दम दिया आपको, आप एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए और पार्टी ने 117 जिला पंचायत और 2500 प्रधान और 4000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत दे दिया बिना प्रचार का। अब आप बताओ हम जैसे लोग प्रचार करेंगे? अगर हमारे गठबंधन में 35 सीटें मिलती हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिससे भी गठबंधन होगा 100 सीट, 100 में 35 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। 35 सीट में अब बताओ 1 नंबर लें कि 2 नंबर लें कि 3 नंबर लें? एक नंबर, लेकिन दूसरे को रखल चाहते ना। तो 1 नंबर लेने के लिए आपको मेहनत करना होगा और वो मेहनत साथियों ऐसा करना है कि दुई महीना में दिख जाए कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पनियरा में झंडा गाड़ चुका है, अब इस झंडे को कोई हटाने वाला नहीं। तो बताइए संगठन का काम होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं होगा? होगा। नहीं होगा? होगा। नहीं होगा? होगा। कितने लोग करेंगे जरा हाथ उठाइए? सभी लोग करेंगे, जानते हैं हाथ यहाँ मैं हम बोल दे रहे हैं आप उठा दे रहे हैं, लेकिन हमारे गैले के बाद कुल गर्मी शांत हो जाती है। फिर लोग कहते हैं चला नेताजी गई ना, देखल जी बाद में, अगली बार यहाँ तो देखल जाए। ये ना होला क्या? अगली बार यहाँ तो देखल जाए? नहीं साथियों, अगली बार नहीं, आपका पूरा विधानसभा पनियरा विधानसभा 437 बूथ इसमें है और 437 बूथ को हम लोगों ने 13 और 12 और 11 बूथ का अलग अलग सेक्टर बना दिया। अभी मैं वही देख रहा था, इसका मैं बैठे बैठे बना दिया, जो काम कविलास जी को पहले ही कर लेना चाहिए था, मैं बैठे बैठे बना दिया। हमको करना क्या है? हमको 12, 13 और 11
बूथ मिला करके उसका एरिया देख लेना है।